हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम देखेंगे फ्रेज एंड क्लॉज किसे कहते हैं और इसमें क्या डिफरेंस है। आज के बाद फ्रेज एंड क्लॉज का कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। पहले इसका डिफरेंस समझ लेते हैं, क्या है फ्रेज एंड क्लॉज में क्या डिफरेंस है, उसको पहले देख लेते हैं। आइए देखते हैं कि फ्रेज किसे कहते हैं और क्लॉज क्या होता है। फ्रेज एंड क्लॉज, फ्रेज को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश, क्लॉज को कहेंगे उपवाक, सेंटेंस विद इन सेंटेंस। इसका मेन डिफरेंस क्या है, फ्रेज होता क्या है और क्लॉज क्या है। फ्रेज कम से कम दो वर्ड्स होने चाहिए, दो शब्दों का समूह है, दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को क्या कहेंगे, फ्रेज। इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होता है, लेकिन क्लॉज में सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है। यही डिफरेंस है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होता है, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। मेन डिफरेंस फ्रेंड्स यही है कि फ्रेज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होगा और क्लॉज में होता है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फ्रेज किसे कहते हैं। पहले फ्रेज देख लेते हैं, फ्रेज का डेफिनेशन। फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that make some sense is called phrase। शब्दों का ऐसा समूह जो थोड़ा बहुत तो मतलब दे लेकिन कंप्लीट सेंस ना दे, उसे क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, एग्जाम्पल लेते हैं। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिप्स अ हर्मिट। ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, पहाड़ के ऊपर कौन रहता है, हर्मिट, पुजारी। फ्रेंड्स इसमें ऑन द टॉप ऑफ द हिल, दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो अ फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर हम इतने बोले ऑन द टॉप ऑफ द हिल तो कंप्लीट सेंस नहीं देगा, इसीलिए इसको फ्रेज भी कहेंगे और इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। अगला देखते हैं, क्लॉज किसे कहते हैं। क्लॉज उपवाक, इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। इट मे और मे नॉट गिव मीनिंगफुल सेंस, मीन्स क्लॉज कभी कभी कंप्लीट सेंस देता है लेकिन कभी कभी कंप्लीट सेंस नहीं देता है। इसके दो काइंड्स हैं, पहले उसको लिख लेते हैं। टू काइंड्स ऑफ फ्रेज, टू काइंड्स ऑफ
क्लॉज नंबर वन सबोर्डिनेट, क्लॉज नंबर टू इंडिपेंडेंट इन डिपेंडेंट क्लॉज। सबोर्डिनेट क्लॉज क्या होता है फ्रेंड्स, इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं क्योंकि ये कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहा जाता है। ये कंप्लीट सेंस देता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ ही कम्स I will go। यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा। इसमें if he comes, this is subordinate clause। I will go, ये पूरा सेंस दे रहा है, इसीलिए इसको मेन क्लॉज भी कहेंगे, या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।